तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में, और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है वंस अगेन आलिया सिंह। क्या हाल है आपके? लेकिन आज ये हमें इनके साथ एक्सपीरियंस की गई एक हॉरर स्टोरी बताने वाले, इनफैक्ट दो रियल स्टोरी। हाँ, रियल, एकदम रियल एक्सपीरियंस है इनका। क्या बात है, ऐसा पता नहीं क्यों इत्तेफाक होता है कि जो गेस्ट हमसे मिलता है वो मिलता किसी और चीज के लिए, फिर वो बताता है। अब ऐसा हो गया दोस्तों, हमें मिलते ही लोग कहते हैं पता है आपको मेरे साथ भी गोस्ट एक्सपीरियंस हुआ है। अब वो पता नहीं जानबूझ के कह रहे हैं या क्या, पर हम तो वैसे मानते हैं कि भाई हो सकता है, तो हो सकता है, होता है, और आपको भी बढ़िया मजा आता है और आपका भी विश्वास है इन चीजों में, इसलिए देखते हो कि भाई हाँ हो सकता है ऐसा। आपके लिए हॉरर कंटेंट बनाने के लिए हम जो रातों को सोते नहीं है ना, हम बता भी नहीं सकते भाई, हमारी फट जाती है। लेकिन आपको क्योंकि पसंद है तो हमारा काम है वो कंटेंट लेकर आना। तो आलिया जी, ओवर टू यू। एक्चुअली मुंबई का है, सो आई वेंट टू मुंबई फॉर अ शूट। मेरा एक वेब सीरीज का शूट था, तो 7 days का शूट था। तो स्टार्टिंग के लाइक 5 days तो हम किसी और होटल में थे, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बट देन जो मेरी को एक्ट्रेस थी मेरे साथ में, जब वो आई और हम लोग दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए, देन वो एक तो होटल ना वो कोई मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, जैसे ललित वगैरह ना ऐसा कोई ब्रांड, तो नॉर्मल मुंबई का होटल था। सो हम थे 13th floor पे। हुआ ऐसा कि हमारा शूट था, शूट से आने के बाद अराउंड 10:30 or 11 हम आए। इट वॉज़ लाइक 1-3 BHK होटल, तो उसमें ये था एक डोर था अंदर, पूरा लग्जरी टाइप था, लाइक उसी में अपना ये किचन वगैरह, ये एयरबीएनबी टाइप हो गया ना, स्वीट रूम था, स्वीट रूम काइंड ऑफ, बट उसमें रूम 3 थे। हाँ, सो 3 rooms थे और मैं और मेरी को एक्ट्रेस थी, तो 3 room थे, उसमें से एक लॉक था और एक रूम मेरा और एक उस बंदी का था। आई डोंट नो वो क्यों लॉक था, हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि हमको ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं। हम बहुत टायर्ड थे। देन हम होटल में आए, फिर हमने प्लान किया कि शूट करता, लाइक शूट के बाद वो एंड था हमारा, लास्ट शूट था तो ख़त्म होने वाला था। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी, उसकी भी थी, तो हमने सोचा कि हम पता नहीं कब मिलेंगे, थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम ड्रिंक कर रहे थे, वो बंदी और मैं, तो हम लोग एक रूम में शिफ्ट हो गए थे ड्रिंक के लिए। क्या पी रहे थे? हम वोडका पी रहे थे। हाँ। तो शी वॉज फ्रॉम मुंबई ओनली, मैं दिल्ली से थी, तो वो पास में रहती थी। तो हम लोग ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, एक ड्रिंक हमने फिनिश की थी, देन सेकेंड ड्रिंक लेने के लिए मैं किचन में गई, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई थी, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए किचन में गई। तब तक ठीक था, कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा नहीं। उस टाइम बज रहे थे अराउंड 12:30 और 1 हो रहा था। और इस टाइम तो कितने पैक डाउन हो गए थे? ओनली 1 ही हुआ था, मतलब हम ड्रंक नहीं थे, ऐसे नहीं थे, मतलब होश था, एक ही पैक था, एक पैक में किसको चढ़ती है। सो मैं कोक लेने वहाँ पे गई किचन में, सो मैंने कोक लिया। मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मेरे पीछे कोई है, बट मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा मे बी ऐसी समटाइम हमें वहम हो जाता है काइंड ऑफ। कैसे लगा कि हवा ट्रैवल करी है एकदम से? ऐसा मुझे लगा कि कोई एंटर किया है किचन में, थोड़ा सा हो जाता है वाइब, हमें आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब ना, वो होता है वैसे, तो मुझे लगा था, मैंने इग्नोर किया। फिर मैं अपनी कोक लेके जैसे ही मैं बाहर आई किचन के, तो उसका जो, अब जैसे आपका डोर है ये तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ना, वो नॉर्मल वाला था कि अब ऑटोमेटिकली नहीं, तो मैं बाहर आई, मैंने क्लोज नहीं किया। जैसे ही मैं किचन के बाहर आई, तो उसका डोर मेरे बैक साइड पे था, तो सडनली क्या हुआ, वो डोर फट से बंद हुआ बहुत जोर की अपने आप। हाँ, बट हो सकता है कि विंडो से हवा आई हो। एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा कि मे बी कुछ हवा वगैरह हो, तो मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ बंद था, एसी चल रहा था वहाँ पे, तो हवा का तो कोई वो ही नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत तेज की भागी, वैसे ही मैं बहुत, मेरी बहुत फटती है, मतलब हॉरर मूवी के बाद और ये सब मेरी बहुत फटती है। तो वो इंसिडेंट होते ही मैं भाग गई उसके रूम में, उस बंदी के रूम में। तो उसको पहले तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, जस्ट हैपेंड, तो उसने बोला नहीं नहीं तेरे को चढ़ गई है। तो उसने बिलीव नहीं किया, तो मुझे भी ऐसा लगा मे बी मुझे चढ़ गई होगी। देन जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हम ऐसे बैठे हुए थे, सडनली जो बाहर वाला हमारे ना रूम के साइड में ही एक वॉशरूम था, और उस वॉशरूम के सामने वो रूम था जो लॉक था, सडनली वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, बहुत तेज की हुआ, और जो उसका वॉशरूम का बैग था ना वो वॉल पे लगा होगा, तो साउंड आया बहुत तेज की, वैसा हुआ। तब उसको ट्रस्ट हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ है। फिर हमने क्या किया, हम फटाफट से उठे, हमने अपना डोर लॉक कर दिया हमारे रूम का। देन उसके बाद हमने जो साउंड सुना ना, जैसे मतलब विदाउट स्लीपर कोई ऐसे भागता है ना हमारे इस पे फ्लोर पे जो भागता है, हाँ नंगे पैर जैसे भागते हैं,
प्रॉपर हमें वॉइस सुनाई दे रही थी कि कोई हमारे रूम के जस्ट बाहर है और ऐसे भाग रहा है वो, उधर से उधर, इधर से उधर राउंड लगा रहा है, प्रॉपर वॉइस आ रही थी। तब हमारी इतनी गंदी फटी, फिर हमने हनुमान चालीसा चलाया यूट्यूब पे, फिर सुना हमने, तब भी स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ऐसा होता रहा। फिर तो क्या हुआ, जैसे हनुमान चालीसा चली ना, तो जो वो डोर था ना वॉशरूम का, वो ओपन क्लोज बहुत तेज की हो रहा था, पूरा प्रॉपर साउंड आ रहा था और दोनों साथ साथ हो रहे थे, बार बार बंद। हाँ, फ्लोरिंग पे भी, मे बी उसको शायद गुस्सा आ गया और हनुमान चालीसा चला के, आई डोंट नो, बट ऐसा और ज्यादा हो गया था हनुमान चालीसा जैसे ही चलाई। तो आपने होटल के उसको रिसेप्शन को कॉल, सबसे पहले हमने अपने डायरेक्टर को कॉल किया एंड ही वाज लाइक कि इतनी रात हो गई है, मे बी तुम लोग ड्रंक होंगे तो सो जाओ, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमने, हमें जो चढ़ी भी थी ना थोड़ी बहुत सारी, हो सकता है डायरेक्टर को पता भी हो कि ये सब सीन यहाँ पे, तो इन्हें आराम से सुला दो। नहीं नहीं, एक्चुअली डायरेक्टर को नहीं पता होगा, मेनली क्या हो ना, होटल्स वालों को पता होता है कि होटल में क्या है, बट वो लोग नहीं बताते जस्ट बिकॉज उनकी जो पब्लिसिटी है वो कम हो जाएगी। सो देन आफ्टर दैट हमने कॉल किया होटल रिसेप्शन पे, वहाँ पे हमने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे रूम में किसी को सेंड करो, एंड देवर लाइक कि नहीं नहीं इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो नहीं बताते प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने नहीं बताया। देन हमने अगेन कॉल किया उनको, देन उन्होंने एक स्टाफ भेजा, तब तक वो चीज़ें ना थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, हनुमान चालीसा कंटिन्यू चल रहा था एंड वी आर लाइक हम एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। आंसू से रो रहे हो? हाँ, हमारी इतनी गंदी, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, मैं बिलीव करती हूँ, बट इतना मेरे बिल्कुल सामने, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था एक्सपीरियंस, पहली बार किया, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मुझे लगता था ऐसे ही लोग ड्रामे करते होंगे, बट नहीं, जब मेरे साथ हुआ तो मेरी फटी। फिर होटल का स्टाफ आया, फिर एक बंदा, फिर होटल का स्टाफ आया, इधर बेल बजी, जैसी बेल बजी हम और उछल गए, इतना डर लगा कि अब भूत हमें घंटी से डरा रहा है। देन फिर हमने क्या किया, हम साथ साथ में हनुमान चालीसा फोन हाथ में चला के हमने एक दूसरे को हक किया, डोर ओपन किया, ऐसे देखा, साथ साथ में चलते 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 हम फाइनली डोर तक पहुँचे, काफ़ी बड़ा रूम था, डोर तक पहुँचे, फिर हमने चेक किया बाहर कौन है, स्टाफ था, हमने ओपन किया, देर हमने उसको बोला यहाँ पे कुछ हो रहा है, देख ही वॉज लाइक कि नहीं, उसको पता था, ऑल आई नो कि उसको पता था, बट ही वॉज रिएक्टिंग की लाइक उसको कुछ नहीं पता, तो ही वॉज लाइक नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो थर्ड रूम है ना इसको ओपन करो अभी इमिडिएटली, देन वो कीज लेकर आया। सो वॉट हैपन इज, जैसे ही उसने वो रूम को ओपन किया ना, एक तो वो बहुत छोटा सा रूम था, उसमें वन बेड लगा हुआ था, सो जैसे उसने उस रूम को ओपन किया, अलमीरा पूरी ओपन थी। अरे तेरी, तो इसमें क्या, अरे पहले ही अलमारी ओपन है? हाँ, मतलब ऐसा होता तो नहीं है, मतलब जैसे उसने ओपन किया, सामने वाली जो अलमीरा थी वो प्रॉपर ऐसे ओपन थी, ठीक है, और उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल और बहुत नेगेटिविटी आ रही थी प्रॉपर, जैसे रूम ओपन हुआ कि काफी सालों से बंद होगा वैसा टाइप का, बहुत सीलन और अजीब सी स्मेल होती है। और लकीली वो बहुत ओपन सा था, लाइक उसका जो अलमीरा था वो ओपन था, उसको देख के मुझे लगा कि समथिंग हैपेंड यहाँ पे। देन फिर हमने उनको बोला कि हमें रूम चेंज करना है, देन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हम 13th से 11th फ्लोर पे आए, सो जैसे हमने दोबारा चेक इन किया उस रूम में, बिल्कुल प्रॉपर सेम सब चीज़ें, प्रॉपर दोबारा वही हो नहीं, मतलब A to Z फर्नीचर पूरा सेम था, कंसेप्ट पूरा सेम था, तो हमें लगा कि सेम ही रूम है, बट वो फ्लोर नीचे था, बट चीज़ों तो सेम ही थी, तो वो एक ना अंदर बैठ गया, हालांकि वहाँ पे नहीं था, 13th फ्लोर पे ही था। तो हम लोग फिर वापस उस रूम में आए, नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी अराउंड 4 o'clock, तो वो बंदी वहीं की थी, तो वो तो मॉर्निंग में 10 o'clock निकल गई, मेरी इतनी गंदी फटी। मैंने जब वो जा रही थी ना, मैंने अपना सारा लगेज उठा के ना बिल्कुल डोर के पास मैं वहीं बैठी रही जब तक मेरी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ, मैं फ्लाइट से 2 घंटे पहले पहुँच गई। तो वो आपका 13th फ्लोर पे था? 13th फ्लोर पे था, और नंबर भी कुछ वैसे ही था, वो 30 कुछ करके था वो नंबर। नो वंडर ये कहते हैं कि भाई 13th फ्लोर इज वेरी, भाई बहुत सारे होटल्स में ना होता नहीं है 13th फ्लोर, मतलब सीधा नहीं होता, 12 के बाद 14 होता। हाँ, 13 नंबर नहीं होते होटल में, होटल अपार्टमेंट्स और इन फ्लैट्स में भी नहीं होता। और रिसेंटली फिर क्या हुआ, अभी उससे पहले, ये तो जो स्टोरी थी ये 2019 की थी जो मैंने अभी बताया मुंबई वाले। वैसे तुमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हुआ क्या था स्टोरी पे? उस होटल वालों से पूछा? होटल वाले से पूछा था, जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने पूछा था कि लाइक कुछ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं बताया कि कुछ नहीं है, ऐसे आपका वहम होगा ऐसा कुछ। अच्छा, मुंबई के कौन से इलाके में था ये होटल? इलाका तो मुझे नहीं पता,
बट नियर टू बस स्टैंड ऐसा कुछ था, मतलब हमारी पूरी विंडो से पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा था, वहाँ पे बस स्टैंड भी था, काफी चीजें थी वैसा। होटल नेम है मेरी नाम मत बताओ, मैं तो वो इलाका जाना था अंधेरी में, कहीं बैंड्रा बैंड्रा में कहाँ हो? नहीं ये इतना मुझे याद नहीं है। और रिसेंटली अभी आई वेंट टू हैदराबाद, मेरा फैशन शो था तो वहाँ पे पहले मेरी टीम गई थी उससे पहले एक शो करने, तो जो मेरे डिजाइनर है ना उनको मैं काफी सालों से जानती हूँ, तो मैं एक शो था जिस जो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी इन हैदराबाद ओनली, तो सेकंड जो मैंने शो किया वो दोबारा मैंने किया, तो उन्होंने पहला एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि हम रिसेंटली हैदराबाद गए थे शो के लिए, हम इस होटल में रुके, यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मॉडल्स के साथ हुआ था। क्या हुआ? ये था कि वो लोग मतलब रूम में थे और वहाँ पे ना कुछ लोग जैसे रात को मॉडल्स लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने, तो उन लोगों ने ना परफ्यूम लगा लिया था, तो उसमें से एक मॉडल ने काफ़ी परफ्यूम लगा के और गजरा वजरा लगा के, क्योंकि हैदराबाद था तो वो बाहर निकल गए रात को 1 o'clock। देन बाहर से मे बी कुछ आया होगा उनके साथ में, मे बी होते ना फ्रेगनेंस से और अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, कहते हैं ना कि रात में नहीं लगानी चाहिए परफ्यूम, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे को अट्रैक्ट करती है, फिर तुम उसको साथ लेके घूमते हो। एग्जैक्टली, और जिसपे हुआ था वो फीमेल ही थी जो बाहर गई थी, तो फीमेल्स पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, प्लस कि अगर हेयर्स ओपन होते हैं ना तो भी अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से। तो जब वो लोग वापस होटल में आए तो हुआ क्या, वो लोग ना ऐसे डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, तो एक रूम में काफ़ी सारे मॉडल थे, तो वहाँ पे सडनली एक बंदी वॉशरूम में नहा रही थी अंदर, एंड सडनली वो न्यूड बाहर आ गई, वो बंदी कंप्लीटली नेकेड वो बाहर आ गई बंदी। ओरे तेरी, ऐसा क्या हुआ उधर? और जैसे ही हम लोगों ने उसको मतलब कवर करने का ट्राई किया ना कि उसको टॉवल से कवर करे, उसने सबको धक्का, मतलब दो तीन हमारे साथ बॉयज भी थे वो काफी मतलब हेल्दी, मतलब नॉट हेल्दी मतलब जिम फ्रीक टाइप के थे, स्ट्रांग थे काफी, उन लोगों को उसने फेंक दिया। एंड उसने क्या किया, जैसे मूवीज लिटरली ऐसा हुआ था जैसे मूवीज में 1920 में देखा, वो ऊपर चढ़ती है, वो बंदी एसी पे चढ़ गई। क्या? हाँ, उसने एसी का पूरा जो बाहर वाला वो होता है ना पार्ट, उसने एसी का पूरा पार्ट निकाल के फेंक के मारा एक बंदे। ओरे तेरी, ऐसा सी, और वो पूरी नेकेड थी। ये तो शुक्र है होटल रूम के बाहर नहीं चली गई, लॉबी में भाग नहीं। सेकेंड थिंग, उसके बाद उसने क्या किया, हम लोगों ने फिर होटल वालों को कॉन्टेक्ट किया, एक दो लोगों ने साले पागल हो गया हो गया भाई, जो लौंडे ये सोच रहे थे ना कि कुछ दिख रहा है उनको, उनकी भी फट गई थी। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत स्कैरी चीज है। हाँ, उसके बाद उसने क्या किया, वो सडनली सबको पुश करके पूरी लॉबी में भागी है वो बंदी, होटल की लॉबी में भागी है वो बंदी, पूरी लॉबी में भागती गई, देन सडनली ना वो बेहोश हो गई नीचे जाके, तो वो होटल ना ऐसे करके था राउंड, देन बीच में ना स्पेस था, तो वो हम लोग थे सेकंड फ्लोर पे, तो वो भागते 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 वो बंदी नीचे आ गई। जब ये सीन हो रहा था ना हमने लिफ्ट का यूज़ किया, लिफ्ट खराब हो गई या क्या हुआ, लिफ्ट स्टॉप हो गई, पूरी लाइटें ऑफ हो गई, पूरे होटल की लाइटें चली गई सडनली, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, और वो बंदी ऐसी न्यूट भाग रही थी, उसको मतलब कुछ हो ही नहीं पाया, जो भी उसके साथ में आ रहा था ना उसको वो सबको धक्का दे रही थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, चार लड़कों ने उसको पकड़ा बट फिर भी उसने सबको हटा दिया, एंड सडनली वो बेहोश हो गई। तो जैसे वो बेहोश हो गई उसके बाद एक हमारे साथ एक आंटी थी, तो वो थोड़े से रिलीजियस थी, वो थी क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने ना जब वो बेहोश है उसका हैंड ऐसे पकड़ के वो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा। तो वो बेहोश रूम में थी उस टाइम पे या फिर लॉबी में थी या कहाँ? लॉबी में, तो सारे मॉडल्स आ गए थे वहाँ पे, फिर हमने उसको ना कुछ ऊपर पहनाया, देन उसके बाद वो जो आंटी थी ना उन्होंने कुछ स्टार्ट किया उसके उसका हाथ पकड़ के कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, तो जैसे उसने स्टार्ट किया ना आंटी ने वो पढ़ना, वो वापस से ऑन हो गई, उसकी आंखें खुल गई, वो आंटी को पुश कर रही थी पर आंटी ने उसको छोड़ा नहीं, तो मतलब वो चिल्ला विल्ला भी रही थी क्या? हाँ, बहुत तेज की चिल्ला रही थी अपने, मतलब उसने पूरे हेयर ना ऐसे निकाल लिए थे हाथ में, शिट, काफी मतलब जैसे हेयर फॉल होता है ना, चिल्ला कैसे रही थी करके बताइए, बहुत ज्यादा, मतलब उसको वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे आंटी ने उसको होल्ड किया हुआ था ना उसका हैंड, वो प्रॉपर छुड़ाने का ट्राई कर रही थी भागने का, बट वो हुआ नहीं। आवाज निकाल के दिखा सकती है एक बार कैसे कर रही? आवाज तो नहीं यार, वो बहुत अजीब, मतलब उसकी वॉइस होती है ना वो थोड़ी मैनली हो गई थी, मैनली और समझ में नहीं आ रही थी वो बोल के आ रही है, बहुत मैनली वॉइस हो गई थी उसकी, हार्ड वाली पूरी उसकी वॉइस ही चेंज हो गई थी, मैनली वॉइस और समझ में नहीं आ रहा था वो बोल के आ रही है, और वो खुद को ही अटैक कर रही थी हर चीज। एक बात बता, एसी जैसे ये इस पे चढ़ गई दीवार, वो प्रॉपर ऐसे चढ़ी थी ऊपर, चढ़ी नहीं उसको निकाला उसने, अबे तो इतनी ऊपर वो यहाँ तक तो चढ़ी है वो खुद,
क्रॉल क्रॉल किया ऐसे करके चढ़ी है वो प्रॉपर सच में। और जब उसने ऐसे किया है ना तो वहाँ वहाँ पे होल हो गया जहाँ पे उसने ऐसे करके जो वो चढ़ी है ना तो वो पूरी वॉल पे होल हो गया उसके। नहीं ये तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है? मेरे आंखों के सामने भाई, मैं सोई नहीं थी एक हफ्ते तक। बता दे किसी ने वीडियो वीडियो नहीं बनाई भाई? वीडियो तो कोई क्यों ही बनाएगा सबसे पहली बात तो, वो चीज क्या हो रही है ऊपर से वो बंदी नेकेड है। वो तो चल समझ में आता है कोई फोन उठा के वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन वैसे लाइट चली गई थी ना भाई, लाइट भी तो चली गई थी पूरे होटल की ना। तो बाद में हमें पता चला कि उस होटल में प्रॉब्लम है और जिस रूम नंबर में वो रुकी थी वो 303 था। अरे 3 तो अच्छा नंबर होता है यार, क्या बात कर रही है। हमने बाद में क्योंकि इधर उधर से कहीं से पूछा था और होटल में ना एक बंदा था उससे भी हमने पूछा था, वो काफी टाइम से वहाँ पे वर्किंग था। यहाँ पे आने से पहले मुझे पहले वो बता, जब आंटी ने उसको करा फिर उसे पुश किया उसके बाद क्या हुआ, वो रूम तक कैसे पहुंची, वो नॉर्मल कैसे हुई? आंटी ने उसका हैंड होल्ड किया काफी, आंटी ने क्रिश्चियन वाले कुछ मंत्र होते हैं वो पढ़े होंगे, उसने काफी ट्राई किया अपने आप को छुड़ाने का बट वो नहीं हो पाई। ठीक है, फाइनली वो ना बेहोश हो गई, मतलब मे बी कुछ वर्क किया होगा आंटी का जो भी उन्होंने किया था। देन फिर हम गर्ल्स ने उसको कुछ पहना उना के फिर हम उसको होटल रूम में लेके गए, उसको मतलब एक रूम में हमने छोड़ दिया कुछ टाइम तक, सो गई थी वो मतलब। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे उठी है, उसको पता ही नहीं क्या हुआ था, कुछ याद नहीं, याद ही नहीं है उसको कि वो ऐसे न्यूट भाग रही थी, कुछ पता ही नहीं है। एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि भाई भागो यहाँ से, इस होटल होटल से भागो, ऐसा कुछ? एक्चुअली हमारी फ्रेंड थी वो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और काफी लोग थे वहाँ पे तो थोड़ा मतलब डर तो काफी लगा, कोई जा नहीं रहा था उसके पास, कुछ बॉयज गए ऑब्वियसली, बॉयज ऐसी हालत में देख के तो बॉयज ही भागेंगे, ऐसी हालत में देख के बॉयज भागेंगे, ये की बोला फटेगी सबकी। लेकिन वो उसको सिंस बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग तो इसलिए हो सकता है वो पास गए हो। हाँ तो हमने बॉयज को ही भेजा था कि ताकि और फीमेल्स पे वो अटैक ना करे वैसे, क्योंकि फीमेल्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, पर उसने बॉयज को भी कर दिया था इधर उधर, अच्छे अच्छे बॉयज रह गए थे ऐसे यार। बट वो सीन के बाद ना मतलब 1 वीक तक मेरे को, मैं सो ही नहीं पाई थी, मेरे को फीवर हो गया था वापस जब मेरा केम टू दिल्ली वापस, तो मेरे को फीवर हो गया था, मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि थॉट में वही चलता था बार 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 बार। मैं वॉशरूम भी अपनी मम्मा को लेके जाती थी क्योंकि वही चल रहा था, ऐसा लगता था अजीब सा ही। हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो। हाँ तुमने बताया, फिर तुमने एक होटल के बंदे से मिले, उसने क्या कहानी बताई वो बताओ। जाने से पहले हम ना होटल में एक बंदा था तो वो काफी टाइम से वर्किंग था, हैदराबाद में ना काफी ऐसी चीजें हैं क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस भी है और ये घोस्ट वाली चीजें भी वहाँ पे काफी है, और वो जो होटल था वो थोड़ी ना विलेज टाइप के एरिया में था तो मे बी वहाँ पे हो सकता है। और मेनली उस होटल के थोड़ा सा आगे ना, मतलब उस होटल पे जब हम टेरेस पे गए थे ना तो बैक साइड पे पूरा कब्रिस्तान था। ऑल राइट, वो हमें बाद में पता चला। फिर उसके बाद देन हमने होटल के एक स्टाफ से पूछा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज है, तो उसने बताया कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी रूम नंबर 303 में, जहाँ पे तुम लोग रुके हुए थे, मेल की, हाँ जहाँ पे हम लोग रुके थे किसी मेल की हुई। ठीक है, हाँ तो तब वो उस मेल जो भी था वो उस रूम से, तो क्योंकि होटल वाले पूजा कौन करवाता है, कोई नहीं करवाते, तो वो जो उसका जो भी है ना सोल वगैरह वो अभी तक उस होटल में ही है। समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे होटल से जब सब कुछ ठीक हो गया था रात को आई थिंक 12:30 अराउंड, तो हमने ना मतलब मैं लिफ्ट का यूज़ कर रही थी, मैं थी और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो हम लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे नीचे जाने के लिए, और वो जो फ्लोर था एक तो वो फ्लोर था 3rd फ्लोर पे 303, सब कुछ 33 था उसका, और स्टार्टिंग के 3rd पे ही था वो सब कुछ ऐसे ही था मतलब। तो हमें, मैं थी ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे को जाना था 5th फ्लोर पे, मैंने प्रेस किया 5th फ्लोर, वो 3 पे ही आई वापस, फिर मैंने किया 5th फ्लोर, वो 3 से हिली नहीं लिफ्ट, और सडनली वो लिफ्ट ना स्टॉप ही हो गई, स्टॉप हो गई। फिर हमने, फिर स्टॉप होने के बाद दोबारा ऑन हो गई, फिर सडनली हम जब वापस नीचे आए ना तो हम भाग गए वापस, मैं होटल में आई। तब क्या हुआ हमारे साथ, हम उस रूम के साइड वाले रूम में थे, उस रूम में तो नहीं थे, वो रूम खाली कर दिया था, उस रूम के साइड वाले रूम पे थे। एक्चुअली जिस दिन ये चीज़ हुई ना उसके नेक्स्ट डे हमारा शो था, तो हम ऐसे जा भी नहीं सकते थे विदाउट शो किए, तो हमारा शो भी था, तो हमने शो करके हम वापस रूम में आए, तो हमने रूम शिफ्ट कर दिया था, हमें साइड वाला मिल गया था, होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। तो हुआ क्या, मैं थी, एक डिज़ाइनर थी, एक फीमेल और थी, तो हम तीनों एक रूम में थे, हम लोग बेड पे बैठे हुए थे, बेड पे साइड में ना वो थे काइंड ऑफ कैसे बताऊँ, लैम्प थे साइड साइड में हमारे बेड के। तो हम जैसे ही बेड पे बैठे ना, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात बात कर रहे थे, और ये टाइम हो रहा था अराउंड 12:30 और 1 टाइम हो रहा था, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात बात कर रहे थे, हाँ बात बात कर रहे थे, सडनली लाइट चली गई
और जैसी लाइट गई ना, लिटरली जैसी लाइट गई, सामने डोर था, किसी ने नॉक किया, फिर और नीचे किसी का शैडो भी नहीं था। अच्छा, हाँ, तो की होल में से कोई दिख भी नहीं सकता था लाइट? नहीं, क्योंकि हमारा बेड ऐसे था और बिल्कुल सामने ही डोर था, तो उससे पहले एक फीमेल मॉडल आई थी तो उसका नीचे शैडो दिख रहा था, जनरली दिख जाता है किसी का शैडो, तो उसका शैडो दिख रहा था, बट जैसे ही वो नॉक हुआ ना, मतलब लाइट गई, सडनली लॉक हुआ, और नॉक हुआ तो नीचे कोई शैडो भी नहीं थी, और जैसे हमने डोर ओपन किया ना, लाइट ऑन, बंदा अंदर आ गया, वो लाइट ऑन हो गई, एनर्जी अंदर आ गई, आई डोंट नो वो अंदर आई या नहीं, लाइट ऑन हो गई। देन हमने वापस से बंद किया उसको, उसके बाद फिर से लाइट ना ऐसे 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 सोने लगी, साइड वाली, हमने लाइट बंद कर दी थी, सिर्फ लैंप ऑन थे, लैंप ऐसे ऑन ऑफ होने लग गए सडनली, फिर किसी ने नॉक किया, पूरे तब कोई नहीं गया, फिर तब कोई जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नहीं, हमने ओपन ही नहीं किया, और कोई बहुत जोर जोर की कर रहा था कि किसी को अंदर आना है, ऐसे कोई बोल भी नहीं, हम पूछ रहे हैं, एक बंदे को हमने भेजा कि देख क्या हुआ है, हम पूछ भी रहे हैं कौन है, कोई बता नहीं रहे, बट नॉक कर रहे हैं। फिर उसने ओपन किया तो कोई नहीं था। अच्छा, फिर हमने ओपन ही नहीं किया, हम सीधा सुबह उठे। ये हो क्या रहा तुम्हारे साथ? पता नहीं भाई, अगर पीछे शमशान घाट है कुछ है तो भाई उसमें तो जाओ ही मत यार, ये होटल वाले बताते नहीं, बताते नहीं। अब होटल बिल्कुल फ्रंट पे है तो बैक साइड पे तो कैसे जाके हम देखेंगे ना, वो तो बाद में पता चला जब हम टेरेस पे गए, या हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तब हमें पता चला कि हाँ बैक साइड पे तो ऐसा ऐसा। और ये भी तो नहीं पता होता ना कि कौन से रूम में किसने सुसाइड किया, कभी पास्ट में कुछ नहीं पता, ये भी है। हाँ, और खुद से बताते नहीं होगी भाई, फिर खुद से तो बताएंगे ही नहीं वो, क्योंकि फिर आपका होटल भाई, फिर तो पूरा होटल ही ना चढ़े कभी, होटल ही था। हाँ, तो वो जो लैंप ब्लिंक कर रहे थे, उसके बाद तुमने किसी को कॉल नहीं करा घर पे, मतलब या होटल में किसी को, या अपने किसी सर को, या फिर सीधा जाके सोई गए? उसके वेरी नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन तो ये सब हुआ था ना, तो क्या ही हम कॉल करते दोबारा, क्योंकि कुछ तो होना नहीं था, क्योंकि पहले ही वो सीन हो चुका है। तुम लोग की भी हिम्मत है, माननी पड़ेगी, एक दिन कुछ हो गया, हरकत हो गई, फिर भी नेक्स्ट डे वहीं रुक रहे हो, बगल वाले, जस्ट बगल वाले कमरे के बाद जाते जाते हमने अपने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया था कि हम नेक्स्ट टाइम से इस होटल में नहीं रुकेंगे, तो उसने कहा ठीक है, उसको भी नहीं पता था, ये तो बाद में उसको पता चला, उसको खुद नहीं पता था, क्योंकि वो तो वहीं से, आई डोंट नो उसको पता या नहीं पता। रात को तुम्हें नींद आ गई अच्छे से उसके बाद? नींद ही नहीं आई ना, हम जगे रहे सारे, नींद कैसे आएगी यार ऐसे। नशा किया उस रात फिर? नहीं, नशा करते भी तो सारा उतर जाता, नशा ही का हो रहा था। सही बात है भाई, भाई डर ही इतना लगे, ना नशा कर पाए आदमी, ना कुछ कर पाए, ना तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था ये भी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लड़की दीवार पे चढ़ के एसी का वो उतार दिया। भाई सही में स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गई यार। एसी ज्यादा नीचे था क्या? इतना ही था, मतलब इतना तो बेड ही था। भाई यार रोना निकल जाए यार मेरा तो, मेरे सामने कोई ऐसी हरकत कर दे। तेरे सामने ऐसा हो तो क्या करेगा भाई, बस हो ना, सोचना बंद कर दूंगा। एक मॉडल बेहोश हो गई थी उसको देख के। भाई मैं भी यही करूंगा, बेहोश होने की एक्टिंग कर दूंगा ताकि भूत मेरे ना जड़ दे दो चार लात। उसे सब पता है कि तू एक्टिंग कर रहा है, दो चार लात जड़ेगा जरूर। अबे यार इतना स्मार्ट थोड़ा ही है, मैं भूत से ज्यादा स्मार्ट हूँ। वो साले एनर्जी एनर्जी तो है, हमारे में तो शरीर भी है दिमाग भी है। अबे वो एनर्जी है, जब उसे साले ये पता है नॉक नॉक करूंगा लिफ्ट 5-6 बजे यही रोक दूंगा। भाई उसे यही तो पता है भाई, मेरे सामने भूत आएगा मैं तो इग्नोर करूंगा। मुझे ऐसे दिख भी गया, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि इसे पता ना चले कि मैं डर रहा हूँ। नॉर्मल बिहेव करेगा? हाँ। उससे क्या बोलेगा, चेयर्स कर ले आ जा, जैसे कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे वो मैं जा रहा हूँ, सामने से भूत आ रहा है, समझ ले मुझे दिख रहा है भूत है, तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा। लॉजिक हुआ, उसे ये नहीं बताएगा कि मुझे पता है तू रूम में, तो आवी सास सो रही है। भाई देख वो कब हावी होगा, जब उसे पता है कि मैं इसको पकड़ लूंगा बंदे को, तो उसे अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग दिखाओ। पर अगर तू इग्नोर करेगा तो हो सकता है उसे बुरा लगे, एज अ फ्रेंडली उसे ये पूछूंगा वो सुट्टा पीने चलो बालकनी, पूछ सकता है भाई क्या होता फ्रेंक को। फिर तूने वेलकम कर, अबे कितनी बेवकूफ वाली बात कर रहा है, जब ये कहते हैं कि भूत बुलाए तो पीछे मुड़ के मत तक देखो, तो तू साले उसे कहेगा आओ भाई। अबे देख मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे सुट्टा पिया, जैसे कहते हैं कि सुट्टा पिया और ये आग से चले जाते हैं, तो क्या पता चला जाए भाई ऐसा। साले तूने कहा चले तो वो तेरे अंदर ही घुस गया इतने। हाँ। नहीं अब वो तो बहुत के ऊपर है, कितना ताकतवर है वो, मारने पाए तो कैसे भी मार। तभी तो कह रहा हूँ कि उसे साले को ताकत दिखाओ अपनी। बट इन चीजों से तो कोई, बिकॉज जब वो बंदी के साथ ये सीन हो रहा था, लिटरली उसको कोई टच भी नहीं कर रहा था, उसके उसके रूम में ही नहीं जा रहे थे हम, रूम के डोर पे खड़े होकर देख रहे थे वो क्या हो रहा है सीन, कोई अंदर ही नहीं जा रहा था यार। इतना सीन यार देख फट तो जाएगी जब कोई बंदा चढ़ेगा ना तेरे सामने, हो तो तू क्या करेगा? कुछ नहीं, जो ये लोग करोगे एग्जैक्टली वही करूंगा, मतलब डर ही लगेगा कि भाई ये हो क्या रहा है,
ये सब तो नहीं करूंगा कि बेहोश होने की एक्टिंग साले वो भूत है भाई, ऐसा भी नहीं हो पाएगा जो ये कह रहा है कि मैं तो उसे इग्नोर कर सोने की एक्टिंग करूंगा। अबे मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी के शरीर में घुस गया तो इग्नोर करूंगा, मैं कह रहा हूँ अगर जैसे मेरे साथ हो रहा है कि सेंस कर लिया मैंने भूत है और मुझे वो डरा रहे, जैसे मेरी लिफ्ट रोक दी या कुछ, तो कोशिश करूंगा जितना दम है कि भाई नॉर्मल रहो, फटेगी तो सही पर उसे पता ना लगे कि फट रही है, वरना वो और करेगा। और शरीर में आ गया किसी के, तो शरीर में किसी के आ गया तो भाई एक ही ऑप्शन है, हनुमान जी का नाम लिया जाएगा, जय बजरंग बली जय बजरंग बली, हनुमान चालीसा गाओ भाई। तूने वो देखे 1921, उसमें एंड में वो क्या करता है, लड़की को पकड़ के कान में बोलता ही रहता है और फिर भूत भगी जाता है भाई। हमें ना अभी हम बैठे बैठे बात कर सकते हैं, अगर सामने आ गया ना उस टाइम हमारा माइंड कैसे चल रहा है, कैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस टाइम, क्या लगा रहे हम लोग। तो जैसे इसके साथ हुआ कि इसको भी नहीं पता था भाई क्या करो, बेहोश हो गई, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि असली में बेहोश हो जाए। लेकिन जो इसने किया ना कि नेक्स्ट डे भी वहां जाकर टिक गए, वो तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हमारा शो था तो हमें रुकना था वहां पे, रोड पे रह लूंगा यार, बस स्टैंड पे रह लूंगा जो मुझे बालकनी से दिख रहा भाई था। ये भी अच्छी बात है कि जिस लड़की के शरीर में वो आया था भाई, भूत वूत कूद जाता सीढ़ी से जो फ्लोर से कूद जाता, लड़की मर जाती, ये नहीं करा उसने भाई। लेकिन एसी का वो निकाल के भी मारना किसी को, सपोज तेरे सामने कोई है एसी का वो निकाल के फेंका तेरे ऊपर, तो साले टाट वाट फूट जाए आदमी की, पागल है क्या आदमी की टाट फूट। मेरे माइंड में इमेज आ रही है कि कोई ना उठा के फेंक रहा है पीयूष, पीयूष कह रहा है पागल है, और पीयूष ऐसा भगेगा भाई, भगेंगे यार क्या करेंगे भाई, और कोई मेरी शक्ल आ रही है मेरे माइंड में, मैं तो हनुमान चालीसा चला के स्पीकर छोड़ के कमरा बंद कर लूंगा अपना। वो वही तोड़ देगी ना उठा के जिसको चला रहे हो, अबे वो फेंकेगी नहीं, वो डर जाएगी उस चीज से, फेंक देगी वो। अबे तू इतने सोचेगा, इतने हनुमान चालीसा चला के इतने तो फेंकेगी एसी की मशीन मुंह पे। भाई भाई लेकिन चल मजाक से हट गया, लेकिन इसका तगड़ा हॉरर किस्सा है। लेकिन नेक्स्ट डे वो बंदी बिल्कुल ठीक थी, मतलब जो उसने स्क्रैच किया था, उसके नेल वेल टूट गए थे, जो उसने हेयर्स निकाले थे, जो बट वो नेक्स्ट डे सब कुछ ठीक था। नेल वेल वापस आ गए, वापस तो नहीं आए होंगे, पेन वेन हुआ सोनी, मतलब ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ क्लियर था। वही तो मैं बता रही हूँ आपको कि नेल से सब कुछ क्लियर था, कुछ ऐसा नहीं था। बताओ बॉडी पे कुछ मार्क्स वार्क्स कुछ भी नहीं था। चलो दोस्तों मजा आ गया इस हॉरर पॉडकास्ट में, कॉमेडी हॉरर कॉमेडी हो गई, जो हम स्केचेस बनाया कर वही वाली हो गई, उस वाला मजा मिल गया लोगों को आज। सीन ध्यान में आ रहा है कि उसने एसी पे कहा और पट्टी बांध के घूम रहा, लड़की लड़की ठीक हो गई दिल्ली, पट्टी बांध के घूम रहा अगले दिन मैं घूम रहा भाई, मेरे यहाँ पे एक लाल लाल स्पॉट है पट्टी में, खून का, और मैं डोल रहा हूँ पट्टी लगा के, ऑफिस आ रहा है पट्टी बांध के। वही सोच के हंसी आ रही कि वो फेंक रही और हम रिएक्ट कर रहे हैं यार, पता नहीं हंसी क्यों आ रही है हमें, वैसे है सीरियस मुद्दा जिसके साथ होता है ना उसको पता होता है। चलो यार खत्म करते हैं, भगवान करे कभी हमारे साथ ऐसा ना हो यार। जय बजरंग बली जय बजरंग बली। चलो भाई बच्चों, अगर आप लोगों को ये देखकर अच्छा लगा तो भाई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर देना, और अपने अपने अपनी राय भी डाल दो कमेंट में कि ये हुआ क्या, ये थी क्या चीज, हुआ क्या तो बता दिया हमने, पूरा बता दिया हुआ क्या। इसमें तो कोई मिस्ट्री नहीं, पूरी क्लियर कट बात है, भूत आया उसने किया क्या ये भी बता दिया, तो ये हुआ क्या क्या है ये बताओ कि हुआ क्या है। अबे कहने का मतलब है जिसने नॉक करा है वो आत्मा थी, वो क्या था वो वाली चीज कह रहा हूँ मैं भाई, आत्मा ही थी जब अगली कह रही होटली हो रहा है। आप एक बार ये बताओ कि आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो कमेंट में जरूर बताना, कभी आपने देखा हो या तो, है ना। चलो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कर दो, बाय बाय, जय बजरंग, जय बजरंग बली की, जय श्री राम।